बाबा साहब एक देर बैठ जाइए। फिर ठीक हो जी डॉक्टर साहब। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने बुलेट निकाल दी है, लेकिन शमशेर का खून काफी बह चुका है और जहर भी फैल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है, जब तक उनको होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। अरे बस करो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अकरम, बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? हाँ सर, मुझे बता तो दे सर। चले, चले, चले। अरे क्यों, कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे बताए तो सही। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, आप छोड़ दें इन्हें प्लीज। चल बता क्यों नहीं रहे, अल्लाह के वास्ते बता दे। कत्ल किया है तुम्हारे बेटे ने। कत्ल? हाँ कत्ल। दुआ करें कि नवाबजादा दिलावर का बेटा बच जाए, वरना हमसे पहले वो इसे सूली चढ़ा दे। समझे? चलो बैठो। लॉक करो ये जल्दी। ये क्या किया तुमने? बोलो ये क्या किया तुमने? मैंने शमशेर को मार दिया। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक गलती उसने की है, दूसरी गलती तुम कर रहे हो। ये तो जानता ही नहीं है कि इसने किया क्या है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे बेवकूफ बहन कभी चुप कर जा बेटा। शंकर बोले बेटा वो रेहान और अकरम भाई को पुलिस उठा कर ले गई। क्या पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? मगर क्यों? ऐसा ने शमशेर को गोली मार दी है, उसके बाप ने तुम्हारे सारे घर वालों को अरेस्ट करवा दिया और ये खबर अभी टीवी पे चल रही थी। अंकल प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे बाबा के पास जाना है, मामा बिल्कुल अकेली होंगी। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं, अभी ये मामला बहुत नाजुक है। तुम हमारे पास अकरम भाई की अमानत। मैं कल कराची जा रहा हूँ, वकील के साथ अकरम भाई से भी मिलूंगा, फिर वो तुम्हारे बारे में जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमें बड़ी गलतफहमी, तुम्हारा शौहर और बेटा बेगुनाह है। मौके वारदात से पकड़ा है उसको, वहीं खड़ा था जब कुछ कबूल किया उसने, और पिस्टल के साथ था। हम पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते, हमें सब पता होता है। क्या पता है आपको? अच्छा जुआरी बेटी थी ना जिसने शमशेर साहब को अपने जाल में फंसाया था। और तुम्हारा बेटा है इसकी बेटी का दूसरा आशिक जिसने शमशेर साहब को गोली मारी थी, है ना? कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने, वो तो मजलूम थी, मासूम थी। बड़ी मासूम थी।
कौन? तुम लोगों के लिए तो बेटियां इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक मर गई तो क्या, दूसरी तो है ना। ऐसी बातें मत करे बेबी, ये मेरे सामने रोना धोना बंद करो, जाकर वकील करवाओ और कोर्ट को जाके ये सफाइयां पेश करो अपनी, समझी? निकलो यहाँ से। मुझे तो मिलने दे, थोड़ी देर के लिए मिलूंगी फिर चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें मिलने दो, तुम तो बस दुआ करो कि शमशेर साहब बच जाए, वरना तुम्हारा बेटा तो सीधा फांसी चढ़ेगा, समझी? उठो यहां से, उठो। चलो दिलीप, जाओ। चलो बेटी। ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की वजह से? हाँ, आप ही की बेटी की वजह से हो रहा है, और किसकी वजह से? पूरे खानदान की नाक कटवा कर अभी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है हमारी। हम बड़े इज्जतदार लोग थे और अब हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे मेरे बेटे की कातिलों की तरह तस्वीरें आ रही हैं। वो मर चुकी है। तो मरने से पहले संभालना था ना नागिन भाभी। मेरे बेटे का आपकी बेटी की मौत में कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो आया ना मांगने के लिए माफी। क्या था अगर माफ कर लेती? नहीं, जल्दी पे तेज छिड़कना आपको बेहतर लगा। आपकी मरी हुई बेटी और आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अपने बेटे की कसम खा रही हूं, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। सिर्फ एक बार मुझे अकरम से मिलने दे। तुम्हें पता, कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पर दिया है उस मुझे। सर, रिमांड में तो फैमिली वालों को मिलने की इजाजत होती है। अच्छा, अब तुम कानून सिखाओगे मुझे? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सर, बहुत पुराने ताल्लुकात। पुराने ताल्लुकात? इंसान की पहचान उसके ताल्लुकात से होती है। कहीं तुम्हारे ये पुराने ताल्लुकात तुम्हें लेना डूबे। लगता है तुम्हें भी शामले तफ्तीश करना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस पता चला तो मैं मिलने चला आया सर, बस। कहाँ रहते हो तुम? सर मैं वो। सीधा सीधा जवाब दो वरना लंबा अंदर कर दूंगा तुम्हें। मुल्तान सर, मुल्तान में रहता हूँ मैं। इतनी दूर से सिर्फ मिलने के लिए आए? ऐसे कौन से ताल्लुक आते तुम्हारे उसके साथ? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। सामने बैठे हवलदार को अपना एड्रेस लिखवा देना, और हाँ, हमारी इजाजत के बगैर शहर मत छोड़ना, समझे? सर सर सर, मैं शहर में कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठहरूंगा? मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मेरा घर तो मुल्तान में है। हवालात भी है हमारे पास, बोलो तो यहीं ठहरवा दो। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम यहीं आने वाले हो, जाओ जाके अपनी तफसीलात लिखाओ, जाओ। वो जिंदा है और मेरे पास मुल्तान में है।
क्या कह रहे हो खुदा रहा, अगर एक मजाक है ना तो खत्म करें इसे, मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं उस एक्सीडेंट में बच गई थी। रेहान और अकरम ने उसे दुनिया वालों के लिए इसलिए मार दिया ताकि वो शमशेर उसका पीछा छोड़ दे। फिर खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि ऐसन ने शमशेर को गोली मार दी और हम सब एक नई मुसीबत में आ गए। वो जिंदा है, सही सलामत। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।